हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स लेकर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं KVS रिक्रूटमेंट यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इस रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज कितनी हैं, पोस्ट कौन से हैं, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, अप्लाई करने की लास्ट डेट कौन सी है। तो ये दोस्तों वीडियो शुरू करते जानते हैं पोस्ट के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप ये जो आर्टिकल देख रहे हैं ये आर्टिकल हमारे ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in पर अवेलेबल है। इसका लिंक मैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है, तो आप इस लिंक के थ्रू इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते जानते हैं पोस्ट के बारे में और वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों इसमें नंबर जो वैकेंसीज हैं वो हैं 13,404 वैकेंसीज हैं, और 13,404 वैकेंसीज ये अलग अलग पोस्ट में डिवाइड है। इसके बारे में मैं नीचे बात करूँगा अभी आपसे। दोस्तों मैं इस पोस्ट को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 26 दिसंबर 2022, यानी कि 26 दिसंबर इस पोस्ट को अप्लाई करने की लास्ट डेट है, आपको फिर से बता दूं मैं। और दोस्तों जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है वो 5 दिसंबर से हो रही है, ठीक है दोस्तों। आइए हम जानते हैं पोस्ट के नाम, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं टेबल, ये टेबल हमारे ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in पे अवेलेबल है, आप इस टेबल को वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं KVS रिक्रूटमेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज इसमें, ठीक है। आइए टीचिंग वैकेंसीज के नाम जानते हैं। देखिए PGT वैकेंसीज है इसमें है 1409 यानी कि 1409 वैकेंसी। TGT वैकेंसी इसमें है 3176 यानी कि 3176 वैकेंसीज पे। PRT वैकेंसी इसमें 6414 वैकेंसी यानी कि इसमें 6414 वैकेंसीज अवेलेबल है। प्राइमरी टीचर इन म्यूजिक्स में इसमें वैकेंसी अवेलेबल है 303, ठीक है दोस्तों। ऐसी नॉन टीचिंग की वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं, आप इसे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in से देख सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी। देखिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे KVS रिक्रूटमेंट के लिए, कैन बी पोस्ट एनी वेयर इन इंडिया, यानी कि आपके कहीं केंद्रीय विद्यालय के किसी भी भारत में ब्रांच में आपको भेजा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आप फर्दर क्वालिफिकेशन जानने के लिए और डिटेल्स जानने के लिए आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, इसको बारे में भी हम नीचे बात करेंगे अभी। देखिए अभी सबसे पहले जानते हैं इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है। देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे 5 दिसंबर से, कैंडिडेट्स को विजिट करना होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। फिर वहाँ से आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पे स्किल, एज लिमिट के बारे में डिटेल वाइज जान जाएंगे। आइए इनके एक नज़र इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देखते हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों अभी ये लोड हो रहा है, ये देखिए दोस्तों, जैसा ये देख रहे हैं 2 पेज का नोटिफिकेशन है, आप इसमें डिटेल वाइज सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी जानने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।